भाई नहीं था कोई सब भाई के विषय को अलदार किया भी नहीं करने को थी जलीप लोग ये होइए तो कड़ा दस मिनट सीधा दोगे तो ये डाकर देते रहे तो दस मिनट क्या मेंडर है क्या सारे कुछ नहीं है वो मेंडर है वो हां क्यों है किसने अंदर का की बचाई है देखो त्रिको है जो का समीयत तो सारा को फिट कर के नहीं गल गया डर वाले होने से हम जन भेजा आ जी प्लीज सर बात सर जी आई ना मेरा मन मान लो वही वर्ड हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं थोड़ा प्रोटेस्ट करते हैं आपको बताइए लेकिन आपकी बात की लाज रखी गई और इस उम्मीद के साथ कि आप यहां पर हैं और इस तबका को इंसाफ मिल जाएगा परिवार को और अभी भी जो आपने देखा है वह हमें बड़ी उम्मीद है जिस तरीके से आपने बड़ा डीपली देखा है आप बजाते खुद जाकर के आपने लाश को पलटाया और पूरे तरीके से देखा है हमें उम्मीद है कि जो ये जख्म आए हैं इसके बारे में गहराई से जांच होनी चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि लापरवाही से फिर ऐसे मामला बने फिर हमें मजबूर होकर किसी बड़े पैमाने पर एहतजाज नहीं ऐसी बात नहीं है जो भी कार्रवाई होगी अभी पुलिस के पास ही है तो ऐसा बात नहीं है कि वो कार्रवाई नहीं होगी वो पूरा डीपली जाएंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे मोहम्मद इकबाल क्या बात हुई है बात यह हुई कि मेरा भाई साहब एक मजदूरी पे आया हुआ था मजदूर मांगने लगा उसको ने मर्डर कर दिया चार महीने मजदूरी कर पोस्टमार्टम वगैरह नहीं हुआ क्या पोस्टमार्टम आज तक नहीं हुआ इस वक्त तक नहीं हुआ है टाइमिंग क्या हो चुकी है टाइमिंग 11 बजे बनने वाला यहाँ पे एक शख्स की जो गुरसाई के रहने वाले हैं उनकी गुज़श्ता रोज 4 बजे मौत हो जाती है और उसके बाद तकरीबन 8 बजे जो है वारिसिन को पता चलता है वहाँ से डेड बॉडी लेने के बाद सुरनकोट हॉस्पिटल के अंदर वो डेड बॉडी रखी गई इस वक्त तक टाइम तकरीबन 10:30 होने जा रहे हैं और अभी तक उस शख्स का पोस्टमार्टम नहीं किया गया पुलिस इंतजामिया ने अपनी तरफ से कोशिश की पुलिस इंतजामिया यहाँ पे आई और इस वक्त पुलिस इंतजामिया ने आकर के यहाँ के हॉस्पिटल के जो जिम्मेदारान है उनको कहा कि अभी तक आपकी आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया लेकिन उसके बावजूद जो वारिसीन है वारिसीन को हॉस्पिटल के जो इंतजामिया है उनको जो वो आंख दिखाने की कोशिश करते हैं और इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं हम ये जो एहतजाज कर रहे हैं हमारा मकसद ये है हमें ऐसा लगता है कि इंतजामिया ने इस वक्त तक जो लेतोलेल से काम लिया है वो इस डेड बॉडी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और इस मामले को किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं हम ये चाहते हैं कि इसकी मुनसिफाना तरीके से तहकीकात की जाए और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द आए और इसके ऊपर जो है केस दर्ज करके बड़े पैमाने पर नहीं ऐसा नहीं है ये रात से जब डेड बॉडी मिली थी डेड़ा वाली गली से तो क्योंकि आपको पता है कि पोस्टमार्टम रात को नहीं हो सकता ये सनलाइट में होता है कोई वारसिन का ये कहना था कि हमने ये इसका एक बोर्ड बनवाना है हम सिंगल डॉक्टर से पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे तो आपको पता है जब बोर्ड बनता है उस पर थोड़ा टाइम लगता है ऐसा नहीं है कि डिले नहीं हुआ है फिर भी अगर जो भी इसमें जिसकी भी होगा तो जिसकी भी नेग्लिजेंसी होगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी वो मैं ये अपने CMO साहब को भी बोलूँगी और डिप्टी कमिश्नर पूछ साहब को उनकी नॉलेज में भी लाऊँगी जिसकी नेग्लिजेंसी होगी उसको उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।